15 अगस्त का दिन उस अथाह तप का, लाखों बलिदानों का प्रतीक है। स्वतंत्रता की उस उत्कंठ इच्छा, उस भावना का प्रतीक है। ठीक उसी तरह राम मंदिर के लिए कई कई सदियों तक, कई कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ प्रयास किया है। आज का ये दिन उसी तप, त्याग और संकल्प का प्रतीक है। ये भी श्री राम की नीति है। और वो क्या है? भय बिनु होई न प्रीति। इसलिए हमारा देश जितना ताकतवर होगा, उतनी ही प्रीति और शांति भी बनी रहेगी। राम की यही नीति, राम की यही रीति सदियों से भारत का मार्गदर्शन करती रही है। श्रीलंका में रामायण की कथा जानकी हरण के नाम सुनाई जाती है, और नेपाल का तो राम से आत्मीय संबंध माता जानकी से जुड़ा है। ऐसे ही दुनिया के और न जाने कितने देश हैं, कितने छोर हैं, जहां की आस्था में या अतीत में राम किसी न किसी रूप में रचे बसे हैं। आज भी भारत के बाहर दर्जनों ऐसे देश हैं जहां वहां की भाषा में राम कथा आज भी प्रचलित है। मुझे विश्वास है कि आज इन देशों में भी करोड़ों लोगों को राम मंदिर के निर्माण का काम शुरू होने से बहुत सुखद अनुभूति हो रही होगी। आखिरकार राम सबके हैं, राम सब में है।